गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इनको देखिए, कुछ बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? और फ्रेंड्स देखिए, अभी मॉर्निंग का समय, और देखिए ताज़ा ताज़ा खेतों से परोरा आया है। मिट्टू लेके आई है, उसकी दादी भिजवाई हैं। तो फिर जा रही है इसका कलौजी बनाने, और जिनको भी खाना पहनना आप लोग भी आ सकते हैं। और इधर देखिए मसाले ले ली हूँ, जो कि जा रही हूँ सिलबट्टे में पीसने फ्रेंड। तब तक आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और ये देखिए हरा मिर्चा, कलौजी बनाते बहुत डिस्टर्ब करती हैं। कलौजी बनाने में मिर्चा नहीं डालो तो मज़ा नहीं आता। जब तक फ्रेंड्स ये सारे जा रही मसाले पीस लेने, तब तक आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए फ्रेंड मसाला पीस के लेके आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड काट कर और बीच में फाल लेना है इस तरह से। आप लोग को काट कर दिखाती हूँ, जब देखिए मैं इस तरह से काट रही हूँ। देखिए इस तरह से काट लेना है। मैं एक और काट के आप लोग को दिखा देती हूँ, देखिए। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से करके ऐसे मसाला भरना है। तो देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से मैं इसके परोरे में मसाले रख दी हूँ। और फ्रेंड्स अब इसके अंदर तेल ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड, इसी तरह से चारों तरफ से गिराना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, पकड़ता नहीं है। अगर आप पहले तेल डाल देते हैं तो देखिए बीच में रह जाता है, इसलिए पूरे अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसे हमेशा इसी तरह से डालती हूँ। और एक और बात बताऊँ फ्रेंड्स, अगर आप इसमें हल्दी का पानी घोल कर डाल देते हैं तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ता है। इसको भी इसी तरह से डालना है, इस तरह से बिल्कुल। अब मैं इसे ढक के पकाऊँगी। ये देखिए गैस है ऑन, पहले फुल है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अभी सारा काम हम करके फ्रेंड्स फ्री हो चुके हैं, और खाना बना चुके हैं, सभी लोग खा हो चुके हैं। मैं भी खा ली फ्रेंड्स, और हम आपको देखिए रेडी हो चुकी हूँ, जो कि वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स देखिए छत पे आई हूँ, रेडी हूँ मैं। तो यहाँ पर बैठे हैं फ्रेंड्स, अभी दो वीडियो शॉर्ट बनाए हैं, और बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रहा है क्योंकि छत पर धूप है फ्रेंड्स। आप लोग को दिखाती हूँ, और बहुत अच्छा भी लग रहा है फ्रेंड छत पे, क्योंकि कभी धूप हो जा रहा है, कभी छाँव हो जा रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए, धूप की वजह से फ्रेंड्स मोबाइल में अच्छे से देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड जितना भी चावल फला था सब बारिश की वजह से झड़ चुका है, अब फिर भी है, अभी बहुत सारा है। सो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड्स अभी शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और फ्रेंड्स अब चलती हूँ नीचे, क्योंकि बाबू पापा जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, सो नहीं रहा है। मैं सुला रही थी, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं सोया। तो मैं पापा जी को देकर चली आई, क्योंकि बिल्कुल लेट हो रहा था। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा लेट हो जाता है, शॉर्ट वीडियो डालो तो बीज नहीं आता है, इसीलिए सुबह बनाती हूँ कैसे भी करके। तो फ्रेंड्स अब चलती हूँ नीचे, उसको सुलाऊँगी, उसके बाद समय मिलेगा तो बनाऊँगी। और आप हमारे ब्लॉग में बन रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं पहले पंखे की हवा लूँगी, तब तक आप लोग बने रहिए। फ्रेंड्स पंखे की वजह से पूरा मतलब आवाज़ अच्छी चली जाती है, बंद कर। सो फ्रेंड देखिए, मैं पापा जी के पास पाव को लेके आई, और ये खेल के मिट्टी उट्टी पोत लिया था, हम इसको नहला दिए हैं। अब मेरे बाबू नहा के आराम से सो जाएगा, है ना? काटने के लिए फ्रेंड बहुत तेज काटता है, हमेशा काटने के लिए दौड़ता है। तो चिल्ला बहुत ज्यादा, मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रख लेती हूँ।